हैं 150 गांव 150 खबर की। डूंगरपुर जिले में चाइल्ड लाइन की ओर से भचड़िया गांव में ओपन हाउस का आयोजन किया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन 1098 के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। डूंगरपुर जिले की वागदरी पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विधायक गणेश घोघरा ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डूंगरपुर जिले की वसी पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 85 भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन किया गया। डूंगरपुर जिले में यूनिसेफ की ओर से सिमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के कनवा गांव में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। नागौर जिले के जूसरी ग्राम पंचायत में 14 साल बाद 2 किलोमीटर रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नागौर जिले के रियाबंडी उपखंड के झीटिया गांव के निकट अवैध बजरी खनन परिवहन करते 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन विभाग की टीम ने किया जब्त। केंसर के बाबरी मोहल्ले में फांसी के फंदे पर लटक कर युवक ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। नागौर जिले के मकराना में मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत। बाइक सवार युवक भी हुआ गंभीर रूप से घायल। नागौर जिले के रियाबंडी में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 177 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। नागौर जिले के डेगाना में आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात झूठी निकली। कहानी रचने वाले मुख्य आरोपी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। नागौर जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनजागरण यात्रा निकाली गई। नागौर जिले के डेगाना में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की उपशाखा डेगाना की ओर से 59वां शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। डूंगरपुर जिले के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने धुबेड़ में प्रशासन गांव के संघ शिविर में हिस्सा लिया। बीकानेर जिले के बज्जू में दूधिया रोशनी में रात्रिकालीन वॉलीबॉल मैत्री मैच का आयोजन, जिसमें मिठड़िया टीम विजयी रही। बीकानेर जिले के नौखा में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ का धरना जारी। 57वें दिन बीकानेर जिले के कार्यकर्ताओं ने संभाली धरने की कमान। बीकानेर जिले के महाजन में चारे से भरी पिकअप में लगी आग। पशु चारा हुआ जलकर राख। राहगीरों की मदद से आग पर पाया काबू। वैक्सीनेशन को लेकर वार्ड पार्षद भी एक्टिव। वार्ड वासियों को वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं प्रेरित। बेंगू क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन, इसके लिए विशाल पंडाल का निर्माण किया गया। बेगू के सर्वांगीण विकास को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा और पालिका पार्षद द्वारा नगर का सर्वे किया गया। बेगू प्रदेश में फिर से दस्तक दे रहे कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कर्मियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी दाताराम ने ग्रामीणों को दी विभागीय योजनाओं की जानकारी। विश्व हिंदू परिषद के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बड़ौदिया ग्राम पंचायत में दौरा कर कार्यकर्ताओं से शौर्य पथ संचलन में शामिल होने की अपील। बांसवाड़ा जिले के गणाऊ गांव में टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बावनिया का जोरदार स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले के लंकाई गांव में रात को बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी भाई फरार। पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। बांसवाड़ा जिले मौसम का बदला मिजाज। आसमान में काले बादल छाए। जिले में हल्की बरसात। बांसवाड़ा जिले के छाजा गांव में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधान भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना का जिम्मा अब प्रवीण सिंह के हाथों में आ गया है, तो वहीं धनपत सिंह को यहां से मोटा गांव लगाया गया। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में लूट की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए बनी पहेली। बीते दिनों हुई तीन बड़ी वारदातों का नहीं लग रहा सुराग। केशोराय पाटन विधायक चंद्रकांत मेघवाल का दौरा। मौर खुदना में 123 लाख की लागत से स्वीकृत। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के जिला अध्यक्ष का किया स्वागत। लगातार दूसरी बार पुनः निर्वाचित हुए जिला अध्यक्ष। बूंदी जिले के गुड्डा गांव में बीती रात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदिरा मार्केट में 3 दुकानों में हुई चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने प्रदीप बैरागी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिंह सभा गुरुद्वारा में 2 दिवसीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय सम्मेलन का हुआ समापन। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में एक दुकानदार से 72,000 रुपए की लूट। व्यापारी ने पुलिस से लुटेरों को पकड़ने की मांग की। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ नेशनल हाईवे 62 पर आज एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग के सचिव
यशविंद्र बराड़ ने राज्य सरकार से मूंग की सरकारी खरीद चालू करने की मांग की। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में पुलिस ने एक पति पत्नी को 30 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के रालावता गांव में साधु संतों के सानिध्य में 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दौसा के बांदीकुई में टेम्पो पलटने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों का बांदीकुई सीएचसी में उपचार जारी। दौसा के लालसोट में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे। झुंझुनू जिले के बसाव में अशोक तिवारी ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाकर भिंडौरी निकाली। झुंझुनू जिले के खिरोड में अभिषेक सैनी का जेएन के पद पर चयन। अभिषेक इससे पहले भी सेंट्रल बीआरओ में जेएन के पद पर। झुंझुनू जिले के नठास में परिवहन निरीक्षक ओमकार मल जांगिड ने सड़क हादसे में घायल का उपचार कराया। झुंझुनू के पचेरी कला में बीच बाजार में नाइजीरियन स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल एक दुकान पर एक बच्चे ने नाइजीरियन स्टूडेंट्स के साथ बिना पूछे सेल्फी ली। सुल्ताना के समीप गुर्जरों की ढाणी में एक अजीबोगरीब चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोर 2 महिलाओं के कपड़े ही चुरा ले गए। बाद में इन कपड़ों को पास ही सड़क किनारे भी जला गए। कोटा जिले के सांगौंद में कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा एक दिवसीय दौरा। उन्होंने एसडीएम और पंचायत समिति कार्यालय का अवलोकन किया। कोटा जिले के बापरा में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर थाना प्रभारी भंवर सिंह कत्तावत ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की। कोटा जिले के इटावा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। कई दावेदारों ने कार्यालय में एसडीएम राजेश डागा को नामांकन पत्र सौंपा। गंगापुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को बिना सूचना दिए बनाई नई कार्यकारिणी को निरस्त कर पुरानी कार्यकारिणी को यथावत रखने की मांग। कोटा जिले के कनवास में टीकाकरण अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने वार्डों को कोरोना का टीका लगवाया। भीलवाड़ा जिले के रायला में 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में 6 विद्यालयों के छात्रों के चिकित्सा विभाग ने रैंडम सैंपल लिए गए। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में एक दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बाड़मेर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर नवले की चक्की के पास एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाकर तलाशी शुरू की। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर में शिरकत कर आमजन को पट्टे वितरित किए। बाड़मेर जिले के शिव में सीमा सुरक्षा बल में आज अपने स्थापना दिवस पर पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर बीएल बिश्नोई के निर्देशन में वीएचएसएनसी सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तारानगर सावा सड़क मार्ग के खस्ताहाल होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुरू जिले के सरदार शहर में कृषि उपज मंडी व्यापारियों ने तिलहन पर लगाई गई स्टॉक सीमा हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। चुरू के विदासर में बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। चुरू के सरदार शहर में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने पट्टे वितरित किए। चुरू जिले के दुधवा खारा में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कब्जे से हथियार बरामद। बारा जिले के परालिया गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 113 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बारा जिले के अंता पंचायत समिति चुनाव के लिए 9 नामांकन भरे गए, वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 1 भी नामांकन नहीं भरा गया। बारा में दैनिक भास्कर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 51 लोगों ने ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया। बारा जिले के राजपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में जमकर लाठी चली, वहीं झड़प में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। बारा जिले के देवरी क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की वैक्सीन लगवाई। सिरोही जिले के माउंट आबू में सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही जिले के दानपुरा में ग्रामीणों द्वारा टैक्सी स्टैंड को एक टेबिन भेंट किया गया, जिसके राहगीरों को टैक्सी उपलब्ध करवाने की जानकारी मिल सके। वहीं सिरोही जिले के मानपुरा ऋषिकेश मंदिरों की पहाड़ियों में भाजपा मंडल महामंत्री दशरथ सिंह राव ने वन्य जीवों को फल वितरित किए। पाली जिले के जैतारण में एसडीएम भास्कर बिश्नोई की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। जैन संत आचार्य नित्यानंद महाराज कालू गांव में पहुंचे, श्रावक और श्राविकाओं ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया।
देशोरी के डायलाना कला ग्राम में प्रशासन गांव के संघ शिविर में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत द्वारा 138 पट्टों का वितरण किया गया। विधायक खुशवीर सिंह ने बिजोवा गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में शिरकत की, ग्रामीणों को शिविर का लाभ उठाने के लिए। प्रशासन गांव के संघ शिविरों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 3 बेटियों को सम्मानित किया गया। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में 45 लाख की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिससे प्रतिदिन 60 से 70 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। धौलपुर जिले के सैपू में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 205 पट्टे वितरित किए गए। धौलपुर शहर के गौशाला विहार कॉलोनी पिछले 7 दिन से चल रही भागवत सप्ताह का समापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में रामसागर बांध का पानी तेज गति से पहुंचने के कारण नहर को तोड़ दिया गया, 50 काश्तकारों की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई। अजमेर जिले के जौताया में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जहां 335 रोगियों को लाभान्वित किया गया। अजमेर जिले के सरवाड़ में 2 वर्ष से बीसलपुर का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। नसीराबाद से अजमेर के बीच कई रोडवेज बसें बंद कर देने के बाद यात्री परेशान। अजमेर जिले के नसीराबाद में बीच बीर घाटी में आवश्यकता को देखते हुए सड़क चौड़ी करने की मांग की गई। अजमेर जिले के नसीराबाद में ब्रिगेडियर समीर कौशल ने डिग्गी का निरीक्षण कर कंटेनमेंट अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अजमेर जिले के विसांगर में तहसीलदार शीला चौधरी और विकास अधिकारी संपतलाल गोदारा के सानिध्य में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन। अजमेर जिले के जवाजा में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने पालिका प्रशासन पर विकास और जनहित के कार्यों की अनदेखी के आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा पार्षदों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कोटपुतली के रेनवाल में बस स्टैंड के पास खड़े दिव्यांग राहगीर को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दिव्यांग गंभीर रूप से घायल। बसी क्षेत्र में शव मिलने से फैली सनसनी, सूचना पर बसी ACP सुरेश सांखला ने घटनास्थल का लिया जायजा। बगरू के अवानिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जहां पर सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सांभर लेक में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत का सिलसिला 13वें दिन भी जारी रहा, WCO संस्था के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के तहत 2 पक्षी मृत मिले तो वहीं 1 पक्षी घायल मिला। जम्वारामगढ़ के सुरेठी और केलनवास गांव में आजादी के लगभग 75 साल बाद भी सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा था। प्रशासन गांव के संघ शिविर का हुआ आयोजन, शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बिश्नोई उपस्थित रहे। फतेहगढ़ के मुख्य चौराहे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वाहनों के चालान काटे गए। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में ग्राम रक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, ग्राम रक्षकों को आई कार्ड वितरित किए गए। जैसलमेर जिले के नाचना अस्पताल के पास मुख्य सड़क टूटी होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में आयोजित 4 दिवसीय अब्दुल कलाम विज्ञान मेले के दूसरे दिन भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जैसलमेर जिले के भणियाड़ा गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, शिविर के दौरान 105 पट्टे वितरित किए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।